कानपुर के पुखराया रेल हादसे का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हादसे में रेलवे की लापरवाही को लेकर याचिका दाखिल की है। याचिका पर कोर्ट में सुनवाई 23 नवंबर को होगी। याचिका में रेलवे बोर्ड के लिए नियमावली बनाने की मांग भी की गई है। तो वहीं भीमसेन थाना में जीआरपी ने रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कराया है। कानपुर रेल हादसे में घायल हुए मुसाफिरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रेलवे फ्री पास दे रही है। कानपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों को खुद रेलवे अधिकारी जाकर ये पास दे रहे हैं। साथ ही हर घायल के साथ दो सहायकों को भी पास दिए जा रहे हैं। कानपुर हादसे के बाद भी रेलवे की लापरवाही कम नहीं हो रही है। पीएम मोदी के संसदीय इलाके वाराणसी के सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा टूटा हुआ मिला। इस रूट से राजधानी और शताब्दी जैसे ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन इसके बावजूद रेल प्रशासन को टूटे हुए ट्रैक का पता नहीं था। जब सारनाथ रेलवे स्टेशन मास्टर को इसकी जानकारी दी तो उन्होंने गलती मानते हुए इसे जल्द ठीक करवाने की बात कही है। आगरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां के नामी कारोबारी घराने राम रघु ग्रुप के कई दफ्तरों में छापेमारी की है। छापेमारी की इस कार्रवाई में इनकम टैक्स के 12 से भी अधिक अधिकारी शामिल रहे। इनकम टैक्स की टीम ने राम रघु ग्रुप के दफ्तरों से कई अहम कागजातों को अपने कब्जे में लिया है और उनकी जांच कर रहे हैं। राम रघु ग्रुप की आगरा शहर में कई हॉस्पिटल्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीएसपी ने कैराना और मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीएसपी के महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने इसकी घोषणा की है। कैराना से दिवाकर कश्यप तो बुढ़ाना से बीएसपी के पूर्व सांसद कादिर राणा की पत्नी सईदा राणा को टिकट दिया गया है। पंजाब की सियासत में एक और सियासी गठजोड़ हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू को झटका देते हुए आवाज़ पंजाब से जुड़े बैंस ब्रदर्स की लोक इंसाफ पार्टी और आम आदमी पार्टी में समझौता हुआ है। समझौते के मुताबिक लोक इंसाफ पार्टी पंजाब में 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंडीगढ़ में सिमरजीत सिंह बैंस और बलविंदर सिंह बैंस ने इसकी घोषणा की है। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने एसवाईएल पर सूबे के लोगों को भरोसा दिया है कि हरियाणा को हर कीमत पर उसके हक का पानी मिलेगा। धनखड़ के मुताबिक चुनाव नजदीक होने की वजह से पंजाब में सियासी ड्रामा चल रहा है, लेकिन पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हालत में मानना होगा। दिल्ली में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में हरियाणा दिवस मनाया गया। समारोह में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। इस दौरान सीएम ने डिजिटल इंडिया थीम का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी सरकार सूबे की जनता के द्वार तक हर सुविधा को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान सीएम ने स्टेट अवार्डी कलाकारों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का ऐलान किया। पंजाब के लुधियाना के फिरोजपुर में एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां पर एक तेज रफ्तार ऑल्टो कार एक स्कूल बस से टकराकर पलट गई। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान स्कूल बस में बैठकर छात्र भी घायल हो गए। मरने वाले सभी लोग पास के जलालाबाद इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हरियाणा के चरखी दादरी में दिल्ली रोड पर नशे में धुत एक ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रॉले से 5 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आरोपी ट्रक ड्राइवर ने सबसे पहले एक बस को टक्कर मारी, इसके बाद 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को टक्कर मारकर एक I-20 कार को रौंद दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है।